इस चलचित्र को देखते समय हमारे हिंदुस्तान के कई युवाओं के सरों में दर्द, आंखों में आंसू और अपना जीवन नहीं जीने की इच्छा जैसे लक्षण पाए गए। इस वजह से हमारी टीम ने अपनी जान को हथेली पर रख के इस चलचित्र को झेला, परखा और खास आपके लिए ये वीडियो बनाई। अफसोस इस बात का है देवी और सज्जनों की हम में से कई लोग अब पहले जैसे नहीं थे और मानसिक एवं शारीरिक दोनों ही रूप से सफर कर रहे हैं। लेकिन आजकल देर सवेर हर मुश्किल से जूझते हुए तुम्हारा पुरजोर मनोरंजन बरकरार रखने के लिए हमने कुछ इस तरह बलिदान दिया। तो दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है कि श्रद्धांजलि के रूप में इन जाबाजों के लिए कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सरदर्द शुरू होता है यंग वरुण धवन से जो स्टेशन पे छूट गया। और ये नहीं कि इसकी माँ चेन खींच दे या फिर ये फिक्शनल अमिताभ बच्चन इसे पुलिस को जाके दे दे ताकि वो उसे इसकी माँ तक पहुँचा दे। ना मुन्ना ना, इसको ये सारे कूली पाल के बड़ा करके कूली बना देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, परफेक्ट डिस्प्रिनिटी रखना है। जहर भी हाँ बस, हाँ अरे जरूरत पड़ेगी रख तो। वहाँ शादी पंडित मानव इस खानदान का रिश्ता कैथोलिक बाबू भैया के खानदान से करवाने जाता है, लेकिन कैथोलिक बाबू भैया वांट्स अ फैमिली सो रिच कि वो इलॉन चाचा से भी ज्यादा अमीर हो। इवन दो इसकी औकात ट्रेन वाली है और इलॉन की सीधा मांस वाली। दू कौड़ी का इंसान औकात भूल गया रे, एंड सबकी बेइज्जती करता है अलग। तो शादी पंडित मानव इज ऑफेंडेड, तो अब बदला लेना पड़ेगा ना बेटा। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। Meanwhile, कुछ अमीर बिगड़े हुए उद्योगपति के बच्चे हु कांट हायर अनदर कूली और एक ही बुड्ढे पे सारा सामान लाद रहे हैं, कूली धवन को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, एंड सिंस इट्स अ कमर्शियल मूवी तो छोटा सा राड़ा मतलब। लेकिन ये बिगड़े उद्योगपति के बच्चे तो ड्रग्स ले जा रहे थे। अबे साले, जब ड्रग्स थे उस बैग में तो शांति से दो कुली कर लेते ना, तो हल्ला मचाते हो गया चूतिया है। अल्लाह इधर लिख लो, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। एंड वेल, कूली वरुण स्टफ्स हिम इन द जेल एंड बिगड़े उद्योगपति का बच्चा इज लाइक, देख लेंगे तेरे को बेड़ा, देख लेंगे साले देख लेंगे। एंड कूली धवन इज लाइक, भाग मदर चूत। But well, since he is a coolie Dhawan, so he has zero luck in his love life. Arrange marriage tak nahi ho rahi iski bechari ki. I'm a go masturbate. Meanwhile, Shadi Pandit Manav is sad ki Sara Ali Khan ki shadi kisi ke saath fix nahi karwa paye aur beizzati alag. And her photo falls on coolie Dhawan. And well, chamdi mode on. Itna ki ye CGI train ke saamne marne ke liye bhi ready ho jata hai. Arre, bada chutiya chamdi yaar. Waqt hai abhi sudhar ja. But well, Shadi Pandit Manav is like, ye photo mera hai bhai. अच्छा इससे शादी करवा दे यार, अरे ये अमीर है बे, अरे मैं भी दिल का अमीर है बे। आइडिया तो अच्छा, तेरे को यूज करके बदला लेगा मैं। अरे क्या बात करता है, अरे कुछ नहीं, चल चल जा जा नाच के आ जा जा। एंड वेल, हर कमर्शियल मूवी की तरह नाच गाना शुरू। तो शादी पंडित मानव हुक्स हिम अप विद एन एक्सपेंसिव झोलकिया हुआ कार, जो कूली धवन का दोस्त दिलवा देता है, हुक्स हिम अप विद भाड़े के कपड़े एंड फोटोशूट सेशन एंड फोटोशॉप फोटोज एंड फेक वेबसाइट टू मेक हिम लुक रिच, एंड खुद एक स्टीरियोटिपिकल साउथ इंडियन बनके अपने ही दोस्त को ड्राइवर बना के गोवा ले जाता है। ऑल दिस फॉर रिवेंज, मतलब यू कुड हैव मूव्ड ऑन विद योर लाइफ बाय स्पिटिंग आउट योर ईगो मैन। लेकिन नहीं, इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। लेकिन नहीं, मेरी सुनता कौन है। We don't care. And ये लोग गोवा में कैथोलिक बाबू भैया के होटल या रिसोर्ट आई डोंट नो में जाके ब्रैक करने लगता है कि और हम कितने अमीर हैं, इलॉन चाचा से भी अमीर, हम मार्स खरीद सकते हैं हम। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एंड सारा अली खान का मामा राजपाल यादव इज सो इम्प्रेस्ड कि ही अरेंजेस अ रूम फॉर हिम जिसमें है प्लम्बिंग इश्यू, एंड कूली धवन पे इसको कुर निकल दिया सुसु। So he goes to change and Saraj Ali Khan thinks he is a plumber. And well, bina matlab ka nautanki and heel pani mein slip. And misunderstanding clear होने के बाद she is kind of into him. कहे कि she also thinks he's rich. What the fuck, dude? And इसकी बहन is also falling for his driver friend. Oh, okay, what? चुतिया पा। And वहाँ राजपाल यादव tells Catholic gold digger बाबू भैया about the rich family. So well, gold digging तो करना पड़ेगा ना भाई। वो जहर ready है क्या? Stand by पर रख बस। And अगले दिन पोर्ट पे फेक अमीरी का फेक अफेक शुरू। I don't know about fake अमीरी, but this boat is expensive, dude. इसकी funding कहाँ से आ रही है? एंड इसे अंबानी, ट्रंप और मोदी का कॉन्फ्रेंस कॉल आता है। कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले आर क्वेकिंग, एकिंग एंड शेकिंग, एंड कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया इज मोर इम्प्रेस्ड। बट वेल, अब बुड्ढा सेट तो बेटी की बारी है, तो सिंस ही इज अ कूली धवन, कूली गिरी अंदर से बाहर आ जाती है। लेकिन सारा मूंगफली खान इज इम्प्रेस्ड, थिंकिंग की OMG, तुम तो बड़े ही हम्बल हो जी। I'm impressed. वाह बेटा वाह। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या?
एंड ये इसके घर में चोरी छुपके से जाके अपने प्यार का कन्फेशन कर देता है। एंड वेल इसके अंधे लौड़े बाप से बच के जो रात में बेटी के कमरे में घुस के योगा करता है उससे बच के निकल रहा होता है कि सारा बलट अली खान बोलती है, अरे सुनो हमको भी तुमसे प्यार है, इलो पप्पी। और बाप रे, दैट वॉज क्विक एज फक डूड, पूरा खानदान गोल्ड डिगर है, कसम से बता रहा हूँ। हेलो, I like money. And since this is a remake of an old classic, supposedly classic Bollywood movie with the same fucking stupid story, तो movie में भी एक remake गाना होगा ही होगा ही होगा of an old classic Bollywood song, मतलब supposedly classic. लेकिन मैं तो भोजपुरी बजाऊंगा मैं, because I love art. बजावे। बगल वाली जान मारनी बगल। And well, गाने के साथ साथ कौन कर रहा है funding इसकी? बट वेल अब कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया इसके पास रिश्ता लेके जाते हैं। शादी पंडित मानव हु इज बिहेविंग एज अ स्टीरियोटाइपिकल साउथ इंडियन इज लाइक, अयो चाचा नहीं हो पाएगा, इसका बाप मना कर देगा रे। अरे अरे तुम शादी करवाओ यार, आकाशवाणी मत करो, बाप को हम मना लेंगे। अरे नहीं मानेगा भाई। अरे भाई भाई को मना करेगा हबे, अरे ले साले लो लो मरो मरो। एंड बुड्ढा फंस गया। फिर ये इसके घर जाते हैं रिश्ता लेके, जहाँ ये इन्हें फेक वेबसाइट दिखाता है, फोटोशॉप फोटोज दिखाता है टू ब्रैग अबाउट हाउ रिच दे आर। एंड इवन दो ये सब फ्रॉड में भी ज्यादा पैसा लगता है। ऑल्सो इसका ड्राइवर दोस्त और सारा थाली खान की बहन और बट नाउ इन्हें इनका बंगलो देखना है, तो ये एक बड़ा सा शूटिंग वाला बंगलो रेंट करके या रेंट करके इसको चूतिया बनवा के शादी करवा देते हैं। अबे भाई चो, स्टिल आई वांट टू नो कि फंडिंग कौन कर रहा है, या फिर शादी पंडित मानो वाज रिच, आई गेस वील नेवर नो। बट वेल अब इसे रहना है बंगलो में, कहे कि खानदान ही गोल्ड डिगर्स का है, मनी 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 मनी। तो वेल ये गिर पड़ के रेंटेड बंगलो में पहुंचता है, एंड सिंस फ्रॉड शादी बिना नकली बाप को बताई हुई है तो नौटंकी तो बनता है बॉस। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, बंगलो ओनर तो वो बिगड़े उद्योगपति का बेटा है, who is giving धमकीज of suing his dad, कहे कि वो नशे का धंधा करता है। तो वेल गॉट पे द सेम कार्ड की बाप ने भाग के शादी करने पे घर से निकाल दिया। एंड वेल दिस शिट वर्क्स, तो ये जाते हैं किसी सस्ते से घर में रहने, एंड मामा जी को किसी स्टीरियोटाइपिकल साउथ इंडियन के डोसे की शॉप में फंसा देते हैं बिकॉज कॉमेडी। लेकिन बेचारी महलों की परी इज सैड बट रेडी टू एडजस्ट, तो थोड़ा हो जाए, बंद करो ये हवस का नंगा नाच। लेकिन ये बाप को कॉल करके बोल देती है, पिताजी लाड़ा हो गया पिताजी, राड़ा है राड़ा है राड़ा है राड़ा है। एंड बाप इज वरीड। वहां अगले दिन कूली धवन गोज बैक टू बीइंग अ कूली और मे बी आई मस्ट से फ्लैश। लेकिन इसका अमीर ससुर ट्रेन से वहां आ जाता है। ओके ओके व्हाट द फक, फ्लाइट के पैसे नहीं है और चले हैं मैं चौधरी लोन चाचा से पैचे लड़ने, अमीर दामाद देखेंगे साले दू कौड़ी का इंसान। एंड ही स्पॉट्स कूली धवन, तो कूली धवन मिथुनदा की पोस्टर देख के स्टार्ट बिहेविंग लाइक मिथुनदा बिकॉज कॉमेडी। और बोलता है, और मैं तेरा दामाद नहीं हूँ, ये तो अमिताभ हो गया बट कोई बात नहीं लॉल एक्सडी। एंड सिंस राड़ा हो सकता है, कहे कि नो वन बाइज दिस शिट, शादी पंडित मानव सेव्स द डे बाय टेलिंग कि वो इसका जुड़वा भाई है जिसको घर से निकाल दिया था, कहे कि नशे करता था, एंड खानदान को नीचा दिखाने के लिए अब वो कूली धवन बन गया, बट दे स्टिल बाय द शिट, दैट्स इट दैट्स इट। जहर दे जरा, मारे डालोगे क्या बेंचोद। और आउट ऑफ नोवेयर एक गाना शुरू, व्हाई गोरे गोरे काल जैसे फुलवा। यहाँ पे कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया नाउ वांट्स हर सेकंड डॉटर टू बी मैरिड टू कूली धवन। कॉमेडी कॉमेडी ठीक है। एंड अगर ये शादी नहीं करेगा तो इसके फेक बाप के पास चले जाएंगे ये, तो अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, कहे कि लॉर्ड तो लग गए हाँ। एंड जबरदस्ती ही वांट्स टू हुक अप हिज डॉटर टू हिम, चूतिया है क्या राइटर, और इसे दारू पिला देता है अलग। एंड सिंस ब्रूस वेन ही बैटमैन है तो ऑब्वियसली एक गायब तो दूसरा भी गायब, एंड सारा खली बली खान इज नाउ वरीड कि हमारा पति गायब है, आई फकिंग किल्ड हिम, तो ये पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। बट वेल दरोगा जॉनी लीवर को है शक, व्हाट द फक, तो ब्रूस वेन आई मीन कूली धवन गेटअप चेंज करके इज बैक, तो चलो भगवान को थैंक्स बोलने जाती हूँ। OMG गुंडे इन फ्रंट ऑफ अ मंदिर जहाँ पुलिस होनी चाहिए लेकिन नहीं है, और लोग भी चूतिए हैं, हेल्प नहीं करेंगे। ओ हेलो कूली धवन, सेव मी, आई हाय हाय बचा लिया, चल तेरे को मेरे पति से मिलाती हूँ जो तेरा भाई है, अरे सुनो अपने भाई से मिलो, ओह गायब हो गया, अरे कोई नहीं, दिस स्टिल प्रूव्स कि तुम दोनों अलग अलग हो, एंड आई डोंट नो हाउ, दोनों का हेयर कट और बॉडी सेम है।
बट वेल दरोगा जॉनी लीवर टेल्स गोल्ड डिगर बाबू भैया अबाउट एवरीथिंग एंड इसे है शक. तो ये अपनी बेटी और दामाद एंड अपनी बेटी और वेल होने वाले दामाद हु इज एक्चुअली ऑलरेडी हिज दामाद को महंगे वेकेशन में भेज देते हैं एंड दोनों पे नजर रखते हैं. अबे चूतिया है क्या. बट वेल कूली धवन एक कमरे में अपने ड्राइवर दोस्त को भेज देता है एंड दूसरे कमरे में खुद जाता है एंड वेल गाना शुरू. अखिया में नासा जैसे इंग्लिश सरा और इसका बाप बाहर से झांक रहा है. अरे परवर साला चूतिया छी हट. Bad element of the society. लेकिन अब दूसरी बेटी है पेट से. ये तो प्यार है. तो ये इसके नकली बाप को गुड न्यूज देता है जो सोच रहा है कि असली बेटे ने कांड किया है. लेकिन कचरा सेठ अंडरस्टैंड्स द गेम एंड वेल ही टेल्स बिगड़े हुए उद्योगपति के बेटे को एवरीथिंग. तो यहाँ राड़ा इतना हो गया कि अब एकता कपूर के सीरियल की तरह एक एक्टर को मारना पड़ेगा. तो दे फेक द डेथ ऑफ कूली धवन कहे की लॉजिक क्या बात कर रहे हैं. एंड वेल अब फाइनली इसके ड्राइवर दोस्त से एंड इसके होने वाले असली बाप से इसकी शादी होगी. वाह भाई मिशन सक्सेसफुल. लेकिन कचरा सेठ इज ऑल्सो देयर हु इज लाइक हेलो बेटा चलो पापा ने बुलाया. लेकिन कूली धवन कन्फेसेस एवरीथिंग टू हिम एंड कचरा सेठ इज लाइक अरे कोई नहीं बेटा अरे जाओ माफी मांग लो जाओ ऊपर जाके जाओ. लेकिन प्लॉट ट्विस्ट उसको तो चाकू मारा है बे ताकि इस पे खून का इल्जाम लग जाए एंड सारी प्रॉपर्टी बिगड़े हुए उद्योगपति के पास चली जाए. वाओ व्हाट ए प्लान मोना डार्लिंग व्हाट ए प्लान. नॉट अ ग्रेट प्लान. तो ये भाग जाता है टू हाइड एंड उद्योगपति सर्वाइव्स. तो ये अब हॉस्पिटल में है एंड कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया नोज द ट्रुथ नाउ. एक्सपोज हो गया भैया. तो साला होना ही था. तो ही नोज उद्योगपति को उसका बेटा मार देगा. तो वेल ये क्रॉस ड्रेस करके गोज टू द हॉस्पिटल. रामजादे साले सुना है तेरे पड़ोसी के पास बंदूक लेके आ जरा. तो ये जाके अपनी साली और ड्राइवर दोस्त के लिए कंसर्न दिखा के विंस द साली का ट्रस्ट. लेकिन सारा रूठी हुई खान इज लाइक तुम साला धोखेबाज मक्कार आदमी हाथ छोड़ हराम पर बाय है नौटंकी. इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का. बट वेल मर्डर होने वाला है कि बूम मर्डर रोक दिया और राड़ा शुरू. भागो बुड्ढे को भाग भाग बुड्ढे को लेके भाग. अयला कैथोलिक बाबू भैया आप इसमें क्यों घुसे यार एंड व्हाई द फक आर यू लुकिंग एट द उद्योगपति. और कचरा सेठ भी कचरा कर रहे हैं तो ये उसे वॉशिंग मशीन में धो देते हैं. आई विश आई कुड वॉश माई आईज आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी. एंड उद्योगपति का बिगड़ा हुआ बेटा इज अबाउट टू किल हिज डैड की सारा चिली खान सेव द डे एंड शी इज लाइक स्वामी तुम मेरे पति चलो तुमको माफ किया पार्टी बदल लिया. बट वेल उद्योगपति की बॉडी इज अबाउट टू गो आउट ऑफ द विंडो की बूम वो तो है कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया. व्हाट द फक व्हाई बाबू भैया व्हाई. ऐसे ही सेक्सी लग रहा था एंड अचानक से ट्रक भर के वहाँ पे कूली आ गए. हाउ एंड गोविंदा बन के यू सी व्हाट आई डिड देयर. यस. कूली वरुण धवन से बोलता है अ सॉलम माफ कर दे वरना गिरा दूंगा गिरा दूंगा एंड एज इफ ही हैड एनी ऑप्शन लेफ्ट. तो ही सेव्स द डे. और तो और वो उद्योगपति से अडॉप्ट कर देता है कहे कि ही सेव्स हिज लाइफ. वाओ इस लॉजिक के हिसाब से ना दुनिया के सारे डॉक्टर अमीर होने चाहिए थे. हु द फक इज इलोन तेरा बाप. बस फिर कैथोलिक गोल्ड डिगर बाबू भैया का घमंड चकना चूर. ही इज अ गुड मैन नाउ. सारी चीजें हो जाती है रिवील एंड चुतियापा खत्म. फाइनली इस मूवी का नाम कूली नंबर वन की जगह चुतियापा नंबर वन होना चाहिए था. वो क्या होता है. I don't know. भोठावा में मध्यम लाली कजरारी नैन वाली. तो मित्रों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो ज्यादा पसंद आए तो शेयर कर दो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर. और जल्दी से मर्च भी ऑर्डर कर लो क्योंकि स्टॉक बस खत्म होने वाला है फिर किसी को मिला नहीं तो हमसे मत बोलना.